गाइस, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ क्रेजी स्ट्रीट राइट। आज हम आए आपको लेकर के देवनगर के अंदर गली नंबर एक ब्लॉक नंबर 3 के पास, जो कि आप देख सकते हैं सोनी का अमृतसरी नान कॉर्नर है। तो आइए इनके पास चलते हैं और देखते हैं इनके पास क्या क्या तरीके की वेरायटी है। तो आइए मेरे साथ इनके पास। हाँ जी भैया, तो मैं आपकी शॉप पे आया हूँ, काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। आपका नाम भैया? सोनू मित्तल नाम है आपका। तो भैया, आप क्या क्या वेराइटीज़ देते हैं यहाँ पे खाने की? आलू नान, गोभी नान, प्याज नान, बटर नान, छोटो नान, प्लेन नान, लच्छा पराठा, पालक नान है, रोटी है, पराठा पराठा है, चावल है, सब चीज़ आइटम है। ओके, तो ये जितनी जो सारी चीज़ें होती हैं ये आप एक प्लेट बना के देते हैं? टाइप मील बना के देते हैं। और वो मील कितने का होता है? 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, जैसे कस्टमर चाहें। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मील होता है सिर्फ 50 रुपये का होता है, और इसके अंदर सब्जी का भी आपने कुछ मेरे को कॉन्सेप्ट है इसका। उसमें कढ़ी है, दाल है, छोले है, पनीर है, चाप है, ये सब चीज़ आइटम होती है। एक सूखी सब्जी होती है, बदल बदल के देते रहे, जो कस्टमर चाहिए वो ले लेते हैं, दे लेते हैं। सर, तो मैं ये देख रहा हूँ, ये जो थाली है इसके अंदर दो सब्जी है और प्लस ये आपके सैलेड है, जो चटनी के वो ले लेते हैं, जो कस्टमर चाहते हैं वो ले लेते हैं। सब्जी जो उनको दो पसंद है वो अपनी तरफ से ले लो, दो ले लो, तीन ले लो। अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ की जो प्लेट है एक प्लेट बनवाते हैं, ट्राई करते हैं। आलू नान लगवाते हैं भैया? तो आलू नान लगा दीजिए एक प्लेट, और सब्जी सब्जी हमारे को दाल कर दीजिए। और कौन सी सब्जी आपके पास? दाल है, छोले, चाप है, कढ़ी है, पनीर है, दाल और चाप। हाँ, दाल है, चाप है, कड़ी, दाल, छोले, पनीर। ठीक है जी, तो आप दाल और चाप कर दीजिए और सैलेड कर दीजिए, प्लस आप रायता भी देते हैं। हाँ जी, रायता भी साथ में है। तो इनका जो खाना है वो टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या कैसे है, और जितने में हम कस्टमर जो है रिव्यू ले लेते हैं। आप कस्टमर फीडबैक लेते हैं। भैया कैसे हैं आप? आपका नाम भैया? आकाश। आकाश नाम है भैया। कितना टाइम से खा रहे हैं आप? हम भी आज फर्स्ट टाइम आया हो। तो खाना कैसा लगा आपको यहाँ? सही लगा, खाना बढ़िया है और रीजनेबल रेट है यहाँ के, मतलब पैसे ठीक ही ठाक है। ठीक ठाक है, बढ़िया लगा खाना। और रायता वगैरह कैसा है? रायता वगैरह भी सही है, बेहतरीन है, बहुत टेस्टी लगा आपको। और आइए, और कुछ भी लोग दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। तो भैया आप इनके साथ ही हैं या अलग से? हाँ भाई, साथ साथ ही खा रहे हैं। आपको कैसा लगा यहाँ? अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, नान वगैरह कैसे हैं? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो अभी भैया से पूछते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो लग चुका है या नहीं लग चुका, भैया से कन्फर्म करते हैं। भैया हमारा जो ऑर्डर है वो रेडी है? हाँ जी, हाँ जी, आलू नान है। तो बस 2 मिनट लगेगी, हम आपको जैसे ही आता है आपको बताते हैं कैसा लगा हमारे को खाने के अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने जो 2 प्लेट्स हैं आ चुकी है, दोनों में आलू ही नान है। और सब्जी आप देख सकते हैं, क्लोज करके थोड़ा दिखाइए सब्जी, ये देख सकते हैं आप, ये छोले की सब्जी है, काफ़ी अच्छी लग रही है, देख रहे हैं ग्रेवी वाइज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसको खा के टेस्ट करता हूँ। और ये साथ में हमारे पनीर है, और ये भैया ने रायता दिया ग्लास के अंदर, और ये है साथ में दाल, ये दाल की सब्जी है। तो आइए फर्स्ट बाइट लेते हैं यहाँ का और ट्राई करते हैं यहाँ का खाना कैसा है। पहले दाल ट्राई करते हैं। दाल एकदम ठीक है, और नमक और मसाला और जितनी मिर्चियों के साथ है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लगा हमारे को खाएंगे। और नेक्स्ट जो आइटम है उनकी पनीर है, तो पनीर ट्राई करते हैं। पनीर देख सकते हैं आप, ये 50 रुपीज़ की प्लेट होती है, और पनीर देखिए आप, पनीर देख सकते हैं कितना हैवी है, मतलब 50 रुपीज़ के अंदर प्लस 2 नान, सैलेड और सब्जियाँ, और प्लस ये रायता। प्राइस प्लस क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, इन चारों चीज़ों को मिला के जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे मिलता है। और आप आइए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए यहाँ का खाना। लाज है छोले,
काफ़ी अच्छा है। और ये सैलेड के साथ आप देख सकते हैं चटनी भी देते हैं। मुझे यहाँ के जो पनीर और जो दाल है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। छोले थोड़े मतलब हल्की, मैं स्पाइस कम खाता हूँ तो उस हिसाब से मेरे को थोड़ा कम लगा। मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा, बाकी 10 में से 10 दो सब्जियों को दूंगा। अब ट्राई करते हैं यहाँ पे कढ़ी, देख सकते हैं आप ये कढ़ी हमारी सेकंड प्लेट है विद आलू नान। कढ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है गाइस, खाने के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी मैं कहना चाहूँगा। 50 रुपीज़ के अंदर इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे कोई नहीं देता है, जो कि यहाँ भैया की शॉप पे मिल रहा है। शॉप का नाम दोबारा देख सकते हैं, एक बारी फोकस करिए कैमरे को, शॉप की दुकान पे सोनू दे अमृतसरी नान चौक का जो माइंड में दिमाग में नाम डाल लीजिए, मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे। तो इसको पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये जो खाना खा रहे हैं आप, अभी क्या लिया आपने? जो मैं थाली लिया हूँ। हाँ जी, ये दूसरी चाप की, चाप की। खाने में कैसी है जी? बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया लग रही है आपको। और रेट कैसे लगते हैं यहाँ के? बहुत अच्छे हैं। मतलब आते रहते हैं या फर्स्ट टाइम? जी रेगुलर आता हूँ। रेगुलर आते हैं? अच्छा, यहीं से खाना खाते हैं आप, तो आपको बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ का खाना। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इनके खाने को? 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे। तो यहाँ का जी ये जो फीडबैक था आपने देखा अंकल जी ने कैसे दिया, 10 में से 10। और मैं भी पर्सनल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि 10 में से 10 मैं खुद भी शॉप को देना चाहूँगा। रेट एकदम रीजनेबल है। तो आइए भैया के पास चलते हैं दोबारा से, और भैया से जो कुछ बातें हैं वो करते हैं शॉप से रिलेटेड, और 2-4 इंपॉर्टेंट बातें जो आपसे बताना चाहेंगे। तो आइए चलते हैं। हाँ जी भैया, हमारे जो कस्टमर थे ये जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ का जो टाइमिंग है शॉप की, पहले तो आप ये बताइए टाइमिंग कब से कब तक खुले जाते हैं? सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाता है, शाम को 4-5 बजे तक रहता है हमारा। 4-5 बजे तक रहता है। और ये जो क्या बोलते हैं खाना, जैसे कोई हॉलीडे वगैरह होता है कोई ऑफ होता है उसमें? कोई फेस्टिवल छुट्टी होती है, कोई बड़ा ओकेजन होता है तो छुट्टी होती है। होली हो गई, होली वोली हो गई, या 15 अगस्त हो गया, दिवाली वगैरह लगाते ही है। 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, ये फेस्टिवल जो और छुट्टियाँ हैं उस दिन ऑफ होता है आपका। और ये जो सब्जी आप जो देते हैं इसमें कुछ चेंज करते रहते हैं आप? एक सब्जी रोज चेंज होती है, कभी आलू मेथी हो जाती है, कभी आलू बैंगन हो जाता है, आलू मसाला हो जाता है, आलू दम आलू जाता है, कभी एक सब्जी कोई भी चेंज हो जाती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग जो सब्जी आ रही होती है वो। और ये जो शॉप कितने टाइम से आपने खोली है, कितना टाइम हो गया इस शॉप को? उसमें 12 साल हो गए इस शॉप को लगाए हुए, 12 साल हो गए। बाकी जो हमारे भाई है, बड़े भाई है, ये हमारे चाय का। हाँ जी, हाँ जी, 25 साल हो गए। बड़े भी हैं आपके ऑनर, शॉप के जो ऑनर हैं यही है, शॉप के ऑनर जी यही है। मोनू भैया जी कैसे हैं आप? ये भी आपने जो शॉप ने बताया 12 साल हो चुके हैं शॉप। हाँ जी, उससे पहले ये शॉप थी या उससे पहले आप ये शॉप लगाते हैं ये वाली शॉप? ये हमारे को तो हो गए 25 साल हो गए एक काम को, ये 12-13 साल इसको हो गए, हमने जो नया काम खोला था रोटी वोटी का। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे आप क्या क्या देते हैं वैरायटी में? चाय बनती है, मक्खन वाली चाय बनती है, मक्खन पीस बनता है, ब्रेड मक्खन बनता है, बाकी सब कुछ वैरायटी वाइटी नमकीन नमकीन सब है। ये शॉप भी किस नाम से? ये नाम है पिताजी के नाम से, श्री राजकुमार मित्तल के नाम से। राजकुमार जी मित्तल जी के नाम पे ये शॉप है, और यही एक शॉप के, दोनों इन शॉप के यही ऑनर है, और ये बड़े भी हैं इनके। और भैया कुछ पूछना चाहूँगा आपसे, तो इस शॉप की जो टाइमिंग है वो कितने बजे से कितने? मैं सुबह 4 बजे दुकान खोलता हूँ, सुबह 4 बजे चाय बनने चालू जाती है। 4 बजे? हाँ जी, और रात के 8 बजे तक बनती है। रात के 8 बजे तक, देखो सर की मेहनत देखो। और 10 बजे नान चालू हो जाते हैं मॉर्निंग में? हाँ जी, सुबह 10 बजे चालू हो जाते हैं, और शाम को 4-5 बजे तक छुट्टी हो जाती है। 4-5 बजे तक छुट्टी हो जाती है, और मतलब फुल सेल होती है देख सकते हो। और ये बटर भी अमूल बटर यूज़ करते हैं, फुली बटर लोडेड यूज़ करते हैं। तो चाय देखिए फुल एकदम भीड़ लगी रहती है। आप पीछे एक बार क्राउड दिखा दीजिए यहाँ पे, जो पूरा क्राउड रहता है, कितना क्राउड रहता है और कितनी भीड़ रहती है खाने के लिए, क्योंकि कितने रीजनेबल रेट हैं यहाँ के। तो भैया हमारे से लास्ट जो क्वेश्चन था आपसे पूछने का, कि जो आपके पेमेंट का जो जरिया है वो कैसे लिया जाता है? फोन पे कर देते हैं, कैश, फोन पे, बस फोन पे, पेटीएम वगैरह वगैरह। हाँ, फोन पे है, पेटीएम है, कैश है, जैसे मर्जी कर लें। तो ये बस हमारा पूछना रह गया था। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस शॉप पे ज़रूर आइएगा। इस शॉप का एड्रेस और फ़ोन नंबर हम आपको वीडियो के एंड में दे देंगे नीचे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम है क्रेजी स्टेट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।
another of the deep.